हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा, जय श्री कृष्णा। और अभी मैं आ गई बेर के पेड़ के नीचे। तो आज अपन बनाएंगे बेर की सब्जी। तो बेर की सब्जी बनाने के लिए अपन को कच्चे बेरों की ज़रूरत पड़ती है, पक्कों की नहीं बनती है, पके हुए की नहीं बनती है। तो मैं यहाँ से कच्चे कच्चे तोड़ के लेके जाऊँगी, मोटे मोटे कच्चे कच्चे। और अगर आप भी बनाओ तो मार्केट में मिल जाते हैं कच्चे बेर की सब्ज़ी, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो, नीचे भी बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन ये क्या पके हुए हैं। तो मैं पके हुए की नहीं बनाऊँगी, कच्चे कच्चे की बनाऊँगी। तो मुझे ऊपर से तोड़ने पड़ेंगे कच्चे कच्चे से, देख देख के बहुत सारे पक भी गए हैं। तो मैं अभी ये टोकरी लेके आई हूँ साथ में, तोड़ती हूँ धीरे धीरे करके। इसमें जैसे ये कच्चे कच्चे है ना, ऐसे रेड नहीं लेना है अपन को, ये हरे हरे लेना है। और बेर की सब्जी ना बहुत अच्छी बनती है, चटपटी, बहुत स्वादिष्ट। बहुत पक रहे हैं बोर, तो मैं हाथ जैसे ही तोड़ू, जैसे हिल रहे हैं तो नीचे गिर रहे हैं। तो मैं ऐसे हरे हरे तोड़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई चूल्हे के पास में, और अब जल्दी से बेर की सब्जी बना लेते हैं। और उससे पहले अपन को क्या करना होता है, बेर को साफ धो लेना चाहिए। सारे को धो लिया मैंने एक बार, इसको दो बार वॉश कर लिया अच्छे से। और अब क्या करना होता है, ये जो इसके पीछे डंडी होती है ना, इनको हटाना होता है, इनको हटा के और फिर ऐसे चाकू से कट कर लेना है ऐसे। और इसकी जो गुटली होती है ना, उसको हटाना होता है, गुटली को नहीं डालते। गुटली मतलब इसका बीज जो होता है, इसको अपना हटा निकाल देंगे साइड में। और इनके जो ये पीछे का ये जो डंडी होता है, इसको हटाना है, इस तरह से कट कर लेना। आप चाहे तो इसको कूट भी सकते हैं, कूट के भी निकाल सकते हैं। बहुत ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, चाकू से अगर आपसे सही बेर नहीं कटे ना, तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। वो इजी है बिल्कुल। ऐसे पत्थर लेना है अपन को, और उसके ऊपर कुछ थैली वगैरह ऐसे बिछा के, और धीरे धीरे ऐसे मोड़े से ऐसे ऐसे एक बार मारने से गुटली जो है बाहर आ जाती है, और ये बोर ऐसे हो जाता है सिर्फ एक बार मारने से। ये ईजी है, ईजी तरीका है। तो मैं भी यही अपना रही हूँ, क्योंकि चाकू से अपन को टाइम लग जाएगा। और जब ये ऐसे फूट जाएगा, तो इसके अंदर जो मसाला है अच्छी तरह से जा पाएगा अंदर से। जब मैं गुटलियों को एक साइड में निकाल दूँ, और बेर को इसके अंदर डाल दूँ। तो सारे बेर की मैंने गुटलियाँ निकाल दी, इसको कूट कूट के, और अच्छे से इसको रेडी कर दिया। और अब इसका मसाला जो है अपन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हल्दी ले रही हूँ, आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, मिर्ची एक चम्मच, और धनिया आधा चम्मच। बेर की सब्जी बनाने के लिए अपन किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो बेर अपन ने रेडी की है वो ले लिए एक कटोरी, और ये मसाला जो मैंने आपको बता दिया है, और ये जीरा और सौंफ मिक्स में डाल दिया मैंने, और ये दो छोटे चम्मच चीनी, और ये दो प्याज, और दो मिर्ची, और ये धनिया। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपन सब्जी बनाना। तो चूल्हा जल गया अपना, और अब कढ़ाई चढ़ा देती हूँ मैं। ये यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर तेल डालते हैं इसके अंदर। अब इस कढ़ाई के अंदर अपन तेल डाल देंगे। एक चम्मच तेल डालूंगी मैं इसके अंदर। अब इसको गर्म होने देते हैं थोड़ा सा। तेल अपना गर्म हो चुका है। अब मैं जीरा और मिर्ची, सबसे पहले डालेंगे जीरा सौंफ, जीरा सौंफ के बाद में डाल देंगे अपन ये जो हरी मिर्च अपन ने काट के रेडी की थी वो, और इनके साथ में प्याज। इनको अच्छे से पकाएंगे तेल के अंदर। हल्का ब्राउन होने तक इनको पकने देते हैं अच्छे से।
जब अपने मिर्ची और प्याज अच्छे से पक गए, अब इसके अंदर अपन डाल देंगे ये जो बेर अपने रेडी किए थे कटोरी के अंदर। ये मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर और अच्छे धीरे धीरे हिलाएंगे इसको, अच्छे से मिक्स करेंगे तेल के अंदर। ये अच्छे से मिक्स हो गए और अब इसके अंदर डालेंगे अपन सूखा मसाला। ये जो मिर्च मसाले हैं इनमें पानी नहीं डालना है, इसे सूखा ही डालना है। सूखे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है सारे को। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे को मिक्स कर दिया। थोड़ा सा हिलाते रहेंगे इसको ऐसे ही और एक मिनट तक, पूरा एक मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, हिलाते रहेंगे इससे चीते नहीं। और अब इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे सब्जी जो है अपनी चटपटी लगती है। और चीनी हल्का सा पानी भी छोड़ती है, तो इसके हिसाब से इसमें चीनी डाल के और दो मिनट के लिए, सिर्फ दो मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे अपन, ढक के छोड़ेंगे और उसके बाद अपनी सब्जी जो है रेडी हो जाएगी। तो मैंने इसको चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसको दो मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। दो मिनट बाद में देख लेंगे सब्जी जो है अपनी रेडी हो जाएगी। दो मिनट हो चुके, अपन को ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि बोर जो है चिड़ जाएंगे, इसमें अपन ने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। तो ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। और इस टाइम अपन को डालना है धनिया, जल्दी से धनिया डाल के नीचे उतार देना है इसको, क्योंकि सब्जी जो है बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से अब इसको नीचे उतार दूँगी मैं, वरना ये चिड़ जाएगी सब्जी। अब जल्दी से इसको नीचे उतार देती हूँ मैं। तो मैं आपको छोटे समय से लेके दिखाती हूँ कैसी बनी अपनी सब्जी। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, दिखने में बहुत अच्छी है। और ये बेर जो है अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस दो मिनट काफ़ी होता है इसको पकाने में। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी और लाजवाब सब्जी बनी है। बेर की सब्जी बहुत ही अच्छी होती है खाने में, और चटनी के रूप में अपन इसको पराठे वगैरह के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैंने बेर की सब्जी बना ली है, बहुत ही अच्छी बनी है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और इसको आप रोटी पराठे वगैरह के साथ खा सकते हैं चटनी के रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सर सभी को।